नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज के सुपर स्पेशल एडिशन में आपका अभिनंदन है क्योंकि आज हमारे साथ दो ऐसे दिग्गज चेहरे होंगे जो आमतौर पर टेलीविजन डिबेट में नहीं दिखते लेकिन इनके बयान सियासत की सुर्खियां बनते हैं। लंबे अरसे से इनका टीवी स्क्रीन पर आमना सामना नहीं हुआ है, यानी आज का ये कार्यक्रम बेहद जोरदार होने वाला है क्योंकि एक तरफ हमारे साथ दो दिग्गज चेहरे होंगे तो दूसरी तरफ सियासत भी सातवें आसमान पर पहुंच गई है। विपक्ष यूनाइटेड ऑपोजिशन वाले मिशन में उलझा था, 28 दल साथ मिलकर मोदी सरकार को निपटाने का ब्लूप्रिंट बना रहे थे लेकिन इसी बीच वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत में तलवार खिंच गई। चर्चा है कि मोदी सरकार एक देश एक चुनाव पर कदम आगे एक कदम आगे बढ़ रही है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इससे जुड़ी एक कमेटी का अध्यक्ष भी बना दिया गया है लेकिन दूसरी ओर विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का कहना है यह सब मुद्दों से ध्यान भटकाने की चाल है और यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी विपक्ष की एकता से डर गई है, बौखला गई है और नरेंद्र मोदी को हार का डर सता रहा है, नए नए पैंतरे दिखा रही है मोदी की सरकार। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन के बीच, एक्सपर्ट्स के बीच होगी देश की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली चर्चा। मुंबई में विपक्ष मोदी को हराने के लिए महामंथन में जुटा था। इसी बीच खबर आ गई कि मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव की तरफ कदम बढ़ा दिया है, जिसके बाद सियासी महासंग्राम छिड़ गया। क्या देश के अंदर तानाशाही है? अगर स्पेशल सेशन आपको बुलाना है, आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश की आवश्यकता है, ये सुधार मुझे लगता है मील का पत्थर होगा। तो विपक्ष की दिक्कत क्या है कि फील्ड के फिसड्डी और फिक्सिंग की कबड्डी में लगे हुए हैं। दुनिया को और देश को बेवकूफ बनाना बंद करें, देश के एजेंडा पे, इंडिया के एजेंडा पे चर्चा करें। भारतीय जनता पार्टी का वन नेशन वन इलेक्शन में छुपा हुआ एजेंडा है, वो भारत के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनको समाप्त कर देना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है। अभी तो कमिटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? इसका कमिटी का रिपोर्ट आएगा, कमिटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बना बुला रहे हैं। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया का नारा बुलंद किया, साथ ही 14 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बना दी गई। कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे। आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकट्ठा होगा और इस अहंकारी भ्रष्टाचारी तानाशाही सरकार का पतन का कारण बनेगा। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती। लेकिन बड़ी खबर ये भी है कि कई दलों के दबाव के बावजूद ना तो सीट बंटवारे पर बात बनी और ना ही विपक्षी गठबंधन का लोगो तय हो पाया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई एक देश एक चुनाव को लेकर विपक्ष तनाव में है? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 2024 पर तनाव, एक देश एक चुनाव। और चलिए सीक्रेट खोल ही देते हैं। हमारे साथ आज कौन है? मेरे साथ मंच पर है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए, पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी का आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मेरे साथ संजय राणा है, राजनीतिक विश्लेषक, विनीत जिंदल है राजनीतिक विश्लेषण, फजील अहमद है राजनीतिक विश्लेषक और सैयद जवाद है। तो जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन है और जनता जनार्दन जोरदार तालियों के साथ।